السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد كلام من سورة البقرة آية أو ستاون أورتهاون ليتي أولو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ولي الذين آمنوا अल्लाह ताला दोस्त है वली है सरप्रस्त है कारसाज़ है हामुनासर है उन लोगों का जो ईमान वाले हैं यू ख्रिज हम ुमात अल नूर उनको निकालता है अंधेरों से रोशनी की तरफ बल कफ़र अलिया अहम तग़ूत और वो लोग जुनकफ़र किया उनके दोस्त हैं तागुत यू ख्रिजून अमिन नूर इल जो उनको निकालते हैं रोशनी से अंधेरों की तरफ उला इकाबन्नार ये वो लोग हैं जो आग वाले हैं जहन्म वाले हैं हम फ़ी हा ख़ालिदून जिसमें वो हमेशा रहेंगे इस आयत की तफसीर में बयान किया था कि सबकायद में अल्ला जब दीन हक़ की पहचान करवाई और फरमाया कि वो शख्स के जो कुफर से जो जो तावत से कुफर करके और दुनिया जहान में जो भी अल्लाह के सिवा मबूद हैं जिनकी पूजा इबादत की जाती है या अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ जिनकी इतात और इतबा की जाती है उन सभी का इनकार करके एक अल्लाह पर सच्चा ईमान लाता है तो उसने ऐसे जैसे मजबूत कड़े को पकड़ लिया जो टूटने वाला अलग होने वाला नहीं यानी एक सच्चे और सही दीन को अपना लिया और सरत मुस्तकीम पर चल पड़ा अब इस सायद में अल्लाह उसका नतीजा बयान करता है कि जब आदमी सरत मुस्तकीम पर चलता है तो उसको क्या मिलता है अल्लाह की वलायत हासिल होती है अल्लाह की मदद नुसरत और अल्लाह की यानी कि अल्लाह उसका कारसाद बन जाता है और सबसे बड़ी अल्लाह ताली की मदद नुसरत उस पबंदे के लिहाज से क्या होती है कि अल्लाह ताला उसको शिरक व कुफ्र की और बिदात गुमराहियों से निकाल कर उसको अल्लाह ताला इल्म की ईमान की हदायत की रोशनी की तरफ़ चलाता है और जैसे हम पता चला कि अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत किसी बंदे पर जो है वो हदायत की नेमत है क्योंकि अल्लाह ने जब अपनी वलायत का जिक्र किया कि अल्लाह ताला इन बंदों का इन लोगों का वली है जो ईमान वाले हैं तो अपनी वलायत के नतीजे में ये बयान किया कि अल्लाह उनको गुमराहियों से निकाल कर अंधेरों से कुफर श्र के जहालतों के अंधेरों से निकाल कर उनको ईमान हदायत और इम की रोशनी की तरफ लगाता चलाता है तो ये है असर अल्लाह की वो नेमत जिसकी पहचान होनी चाहिए और उसके मुकाबल जब इंसान अल्लाह के अल्लाह से मुंह मोड़ता है और एक अल्लाह को छोड़ता है तो फिर दुनिया जहान के तरह तरह के ताबूत ये उसके मबूद बन जाते हैं उनको खुश करना उनको राज़ी रखना और उनके नाराजगियों से बचना ज़िंदगी भर फिर इंसान इसी चक्रों में पड़ा रहता है और हमने इन ताबूतों का जिक्र किया था कि मुख्तलिफ़र के हैं कि कभी वो रूहानी पेशवाओं की शक्ल में गुमराह कन पीर मिल्ला और कभी वो सियासी लीडरों की शक्ल में हुक्मरान हों या कोई गुमराह कन किस्म के सरदार हों और कभी ये ख़ानदान और कौम कबीले और इनके बी बच्चे बालावत जो इंसान को अल्लाह के सच्चे दिन से गुमराह करके उसको गलत किस्म की राहों पर और शैतानी रस्तों पर चलाते हैं और उसमें सबसे पहले तावत शैतान है और इंसान का नफ़ अमारा है तो ये है ऐसे लोगों का इंजाम के जो अल्लाह के दीन से फिरते हटते हैं अल्लाह से अपना मुँह मोड़ते हैं तो अल्लाह ताला दुनिया जहान के तावूतों का उसको ग़ुला बना देता है दुनिया के अंदर भी ज़िलत रसवायाँ उसकी मुकद्दर होती हैं और आख़रत में भी उलाए का उलाब्न्नार ये वो लोग हैं जो वाले आग वाले हैं फ़ी हा ख़ालिदून जिसमें हमेशा रहेंगे अलम तरदीहा जय इब्राहिम हफ़ी रबी उसके बाद अल्लाह ताली तीन मिसालें देता है और लोगों की और इनके ऐसे लोगों की जो ताबूतों का ताबूतों के वली बन जाते हैं या जिनके वली ताबूत होते हैं उनका हाल क्या होता है और ऐसे लोगों की के जो अल्लाह ताला की वलायत में होते हैं और अल्लाह तरह उनको इनके ग़लत रस्तों से बचाकर और गुमराहियों से हटाकर उनको सीधे रस्तों पर लगाता चलाता है और पहली मिसाल उसमें क्या है इब्राहीम की और उनके ज़माने के सबसे बड़े काफ़र बदमाश नमरूद की तो मात आलम तलाज इब्राहिम का नहीं देखा आपने और देखने से मुराद यहाँ पर जानना और हमने पहले भी जिक्र किया था कि यह अंदाज़ कुरानी करीम का है लोगों को और पढ़ने वाले सुनने वालों को तोज्जो दिलाने के लिए कि जैसे कि बड़ी को अहम और दिलचस्प चीज़ बयान की जा रही है ताकि सुनने वाला उसको गौर से कान लगा के सुने तो माया क्या क्या नहीं देखा ऐसे शख्स को कि जो जिसने जो झगड़ा किया अपने रब के बारे में इब्राहिम इब्राहीम से और उससे मुराद नमरूद है और रब के बारे में झगड़ा करने से मुराद अल्लाह ताला की तोहद के हवाले से कि अपने आप को रब बना के बैठा हुआ था और उसकी इस कुफर और तागूत होने की ये वजह क्या थी अन आतामुल्क के अल्लाह ने उसको बादशाहकूमत दे रखी थी कि जिससे मालूम हुआ किमूम दुनिया के वसाइल का ज़्यादा मिल जाना और हुकूमत माल दौलत के इन चीज़ों का हासिल हो जाना बहुत से लोगों की गुमराही का यही सबब बनता है इनकालब्राहीम रबी वमीद जब कहा इब्राहीम ने कि मेरा रब वो है कि जो ज़िंदा करता और मारता है यानी ज़िंदगी मौत का मालिक अल्ण, अल्ण की त है कला व उम्मीद तो उसने मुकाबला बना करते फरमाया कहा उसने कि मैं भी जिंदा करता और मारता हूँ कि ज़िंदगी और मौत मेरे भी हाथ में है और हमने ज़िक्र किया था कि उसने लोगों को झांसा देने के लिए ज़िंदगी और मौत अपने इख्तियार में जो रखी थी उसके लिए क्या अंदाज इख्तियार किया था इब्राहिम कहा इब्राहिम आलम ने अल्लाह आति बिशम से बबिनमशर बस बेशक अल्लाह ताला लाता है सूरज को मशरक से फतिबि है अमिन बस पस्तु उसको मगरब से लिया यानी जब उस काफ़र ने लोगों को झांसा देने के लिए ज़िंदगी और मौत के इखतीयार में लोगों को धोखा देने की कोशिश की तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके सामने ऐसी दलील पेश करते हैं कि जिसका उसके पास कोई जवाब नामकन था तो कहा कि अल्लाह ताला तो सूरज को मशतु करता है तो उसको मगरब से चढ़ा दे अगर तेरी इतनी ही कूत ताकतें हैं अल्लाबू ही तोल कफ़र बस लाजवाब हो गया और हैरत ज़दा रह गया वो वो शख्स जिसने कुफर किया यह नमरूद वाला दिलकौम वालम और अल्लाह ताली नहीं हदायत देता ालम को कि जो इस अंदाज़ से हक और हदायत वाजे हो जाने के बाद भी उससे मुँह मोड़ते हैं और अल्लाह ताली के अहकाम से रूगरदानी करते हैं असल ये वो लोग हैं जो िम हैं और जिनको अल्लाह ताली फिर उनके लिए हदायत के रस्ते बंद कर देता है

فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم अव कल्लदी मर्रा अला करतन अव के मन या कलदी उख्स तरह मर्रा जो गुज़रा अला करतन एक बस्ती से वही ख़ावियत जब वो गिरी पड़ी थी अला वरूश यहा अपनी छतों पर और जुमा अरश की औरश कहते छत को कला कहा उसने गुजरने वाले ने अन्ना युह ये देना कैसे यु ही ज़िंदा करेगा हाथ ही इस बस्ती को कोई इस बस्ती को दोबारा आबाद करेगा अल्लाह ताला बाद तमूती हा उसकी मौत यानी उसके बर्बाद हो जाने के बाद फमाता तो अल्लाह ने उसको मौत दे दी सौ साल के लिए सुम्मा सुबसा फिर उसको मरने के बाद उठाया ज़िंदा किया काला और कहा अल्लाह तारा ने पूछा उससे कम कितना लबिस्तर तुम ठहरे हो तो कितना अरसा यहाँ ठहरे हो क़ाला कहा उसने लबिस्तौमन ओबाद योम के मैं एक दिन ओब यौम या दिन का कुछ हिस्सा ठहरा हूँ क़ाला कहा लातर ने बल लबिस तमियत आम बल्कि तुम सौ साल यहाँ पर ठहरे रहे हो फ़न दुर्प देखो इला तो आमिक अपने खाने की तरफ व शराबिक और अपने पीने की तरफ लमयत सन्ना कि जो बासी नहीं हुआ बदबूदार नहीं हुआ मन दुर्मारिक और देख अपने गधे की तरफ वलिनज अला का आयत और ताकि हम तुमको लोगों के लिए निशानी बना दें मन दुलवा और देखो हड्डियों की तरफ़ यानी गधे की हड्डियाँ, कई फ़नशीज़ुआ कैसे हम उनको जोड़ते हैं सुनकसूआ लहमा और फिर उनको गोश्त पहनाते हैं और उनके ऊपर गोश्त लाते हैं उन हड्डियों पर फिल्मा तबैया नड़ूँ बस जब उसके लिए ख़ूब वाजी हो गया कहा उसने के मैंने मैं जानता हूँ या जान लिया मैंने इन कदीर के बेशक अल्लाह हर चीज़ पर ख़ूब कुदरत रखता है वही कला इब्राहिम और याद करो कि जब कहा इब्राहीम ने रबी अरब मेरे अरे दिखा मुझे कई फतल कैसे तू ज़िंदा करता है मर्दों को काला तो फरमाया फर्माया ने अवालम तो मिन क्या तू यकीन नहीं रखता कला का सलाम ने भला क्यों नहीं वाला के लिए आत्मा इन नकल भी लेकिन ताकि मेरे दिल को पूरी तसली हो जाए फरमाया अल्लाह तरण ने अरब अरबातम मिन तयरम पस ले लो अरबा आतम तिर चार परिंदे फ़सुर हन पस उनको अपने से मानूस करवा लो अपने से हिला लो सल आला कुल जब अलमिन हन्ना जुज आ सुम्म फिर इज अल रखो आला कुल जब अलमिन उन्ना जुज़ अन उनमें से यानी उनके गोश्त पोश्त का एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पर रखो सुमदन नती न फिर उनको पुकारो उनको बुलाओ ये आती है क्या तो आएंगे तुम्हारे पास सयन दौड़ते हुए यानी उड़ते हुए वालम और जान लो, लोल्ला आज़ीज़ुल हकीम के बेशक अल्लाह बहुत गलबे वाला हमत वाला है आयतम दो सौ उनसठ और दो सौ साठ की तिलावत और तर्जमा पेश किया गया है प्रमाताल्ला तै अवक लदी मर्र अला करिया या उस जैसे शख्स की मिसाल जो कि गुजरा एक बस्ती से यानी या के मानी क्या है पिछली आयत में हमने पढ़ा था अलम तरा लधि हाज जा क्या नहीं देखा आपने उस शख़्स की तरफ़ जिसने झगड़ा किया इब्राहिम सलाम से अपने के बारे में तो या तो वो मिसाल है अवक लधी या फिर उसी के ऊपर अतफ़ किया जाता है या क्या आप या नहीं देखा आपने उस शख्स के शख्स को के जो गुज़रा एक बस्ती के बस्ती के पास से यानी दूसरी मिसाल दी जा रही है और का मिसाल में अल्लाह ताला ने बयान किया था ऐसे आदमी की मिसाल को कि जो आखिरत का मुनकर था और अपने आप को अल्लाह के मुकाबले में रब बना के बैठा हुआ था तो वहाँ उस आयत में अल्लाह ने अपनी तौहीद का बयान किया और इस आयत में जो आयत पढ़ रहे हैं और इसके बाद वाली आयतों इन दोनों आयतों में अल्लाह ने आखिरत को कायम होने और क़्यामत के कायम होने की दलीलें पेश की हैं माया के यह मिसाल है उस शख्स की कि जो गुज़रा एक बस्ती के पास से वो शख्स कौन है और बस्ती कौन सी है कुरान अहदी कुरान हदीस में कहीं पर उस शख्स का को बयान नहीं हुआ और ना ही कुरान में उसका को जिक्र हुआ है कि शख्स कौन था या ये बस्ती कौन थी जिसके पास से गुज़रा है लेकिन इसराइली रवायतें हैं अपने अपने उनके जो इसराइली रिवायतों से अखिल किया है कि बाद ने कहा है कि ये गुज़रने वाले अल्लाह के नबी थे अलैहिस्सलाम और बाद ने दूसरे अम्बिया का ज़िक्र किया है बाद दूसरे नबियों का नाम लिया है और बाद उल्मा का कहना है कि बल्कि ये वो शख्स का शख्स था कि जो आखरत के बारे में शक रखता था और अल्लाह के नबी और रसूर के बारे में मुमकिन नहीं कि उनको आख़रत के बारे में कुछ शक हो इसलिए उसने कहा अन्ना यू धिल्ला उबा दिहा कि ताला इस बस्ती को जो तबाह बर्बाद हो चुकी है उसको कैसे दोबारा फिर आबाद करेगा ज़िंदा करेगा तो चुनाचे ये शख्स जो था यानी कि आखिर के बारे में शक में शिकार था शक का शिकार था तो इसलिए उसने यानी कि ये सवाल किया या ये उसके दिल में उसके यानी ख्याल में ये चीज़ आई तो अलगुल हाल चूँकिरन सन्नत में उसकी वजाहत नहीं है मुमकिन है कि अल्लाह के नबी भी हो सकते हैं जिस तरह के बाद का कहना है कि इस्लाम भी और अगर अल्लाह के नबी है तो उनके कहने का मकसद जो है वो अपनी आँखों से अल्लाह कुदरतों के नज़ारे देखना था ये कि उनको शक था को आख़रत के बारे में क़्यामत के बारे में या अल्लाह ताला के कुदरतों के हवाले से अल्लाह ताला चीज़ों को ख़त्म हो जाने के बाद मरने के बाद दोबारा ज़िंदा कर सकता या नहीं बल्कि इस लिहाज से कि अपनी आँखों से वो देखना चाहता था कि कैसे अल्लाह त चीज़ों को हलाक तबाह हो जाने के बाद और किसी के मुर्दा हो जाने के बाद फिर उसको कैसे ज़िंदा करता है और अगर वो वाकई ही आखिर पर ईमान रखने वाला था तो तब उसका माना वाज़ है और बस्ती कौन सी है इसके हवाले से भी ज़िक्र किया है कि क्रा हदीस में उसका कोई जिक्र नहीं आता अगरचे बाज़ लोगों नेमा का कहना है कि बैतुलमकतस था या योशलम था या जो भी इस तरह के मुख्तलि नाम दिए हैं और यहाँ पर एक अहम बात जो कहने की ज़रूरत है इस आयत के हवाले से भी और इसके बाद वाली आयत भी और वो ये है कि क़ुर करीम कहानियाँ बयान करने के लिए नहीं आता बल्कि कुरान करीम में अगर किसी वाक़े का जिक्र किया होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ उससे इबरत और सबक दिलाने के लिए उसमें अल्लाह की तोहद के कुदरतों के अदमतों के जो निशानियाँ हैं उनको बयान करना मकसद होता है और इसीलिए हम देखते हैं कि कुरने कि करीम के किसों के अंदर वो जुज़ियात वह तफसीत नहीं होती कि जिसका कोई और सबक से ताल्लुक़ ना हो चुनाचे यह शख्स कौन है हाँ, इस वाके के हवाले से जो अल्लाह ने सबक रखे हैं उस शख़्स को जानने या ना जानने से उस पर फ़र्क नहीं पड़ता और इसी तरह बस्ती कौन सी है उस बस्ती का भी अगर कोई उसको जिक्र करने का फ़ायदा होता तो सबसे पहले कुरान ख़ुद ही उसका जिक्र कर देता और जिससे हमें एक बहुत मनजी तौर पर अहम बात का सबक मिलता है उसका दर्श मिलता है वो क्या है कि जिन चीज़ों की तफसी में कुरान व सनत नहीं गए और जिसकी बंदे को इंसान को उसके दीन दुनिया के लिहाज से कोई ज़रूरत भी नहीं है ऐसी चीज़ों के पीछे पढ़ना वो अक्लमंदी नहीं है और ना ही कोई नेकी का काम है क्योंकि अगर वो नेकी होती अगर उसकी कोई ज़रूरत होती बंदों को तो अल्लाह ताला ख़ुद ही उसके बारे में बता देता और इसीलिए अमूमा देखा यह जाता है कि जो लोग कुरान सुन्नत से फिरे होते हैं और बिदात और खुद ख़ुदसाख्त दीन उनका मन ही तरीक़ा होता है हम हाँ वो लोग हैं कि जो इन पीछियों के पीछे पढ़ते हैं और इन ऐसी बातों के पीछे पढ़ कर उनकी तहकीकात में उनकी हिसत में जाते हैं कि जहाँ पर टाइम ज़ाय होने के सिवा उनको और कुछ हासिल नहीं होता और असल जो करने वाले काम हैं उनसे गाफ़िल होते हैं जबकि साहबा इक्राम ने आयतें कुरानी करीमें पढ़ी नबी करीमलम से सुनी और नहीं पूछा आप से ये शख्स कौन था ये बस्ती कौन सी थी जो इस बात की दलील है कि सहाबा इकराम हमेशा वो चीज़ें लेते थे कि जिनका उनको दीन दुनिया के लिहाज से को बड़ा फ़ायदा होता था और देखते कि जिस चीज़ का कोई मकसद फ़ायदा नहीं है ऐसी चीज़ों में उलझना उनमें पड़ जाना समझते थे कि इसकी ज़रूरत नहीं और ये बल्कि टाइम को वक़्त को ज़ाय करना है तो इसलिए ज़रूरत है हमको भी सहाबा के इस मनाल पर चलते हुए कुरने कुरान के इसमन को लेते हुए यानी कि ऐसी चीज़ें अपनाने की उनको लेने की उनके बारे में मालूम लेने की कि जिसका कोई दीन दुनिया के लिहाज से फ़ायदा हो कि जिसको जानने की कोई सवाब हो और ऐसी चीज़ें कि जिसका कोई अजर नहीं कोई सवाब नहीं जिसका कोई फ़ायदा नहीं ऐसी बातों में पढ़ कर अपने वक्तों को ज़ाय करना ये लायक नहीं है माया के वो शख्स गुज़रा एक बस्ती के पास से वही ख़वाब युना आला रूश यहाँ कि जब वो गिरी पड़ी थी अपनी छतों पर छतों पर गिरने का माना क्या होता है कि अमूमन जो है ख़ास तौर पर जब के मकान मट्टी के होते थे और छतें वगैरह इस तरह की तिनकों की और इस तरह की चीज़ों की होती थी तो सबसे पहले छत गिरती है और छत गिरने के बाद फिर उसकी दीवारें जो हैं वो उसके ऊपर गिरती हैं तो ये माना कि भाई अखवातन वो गिरी पड़ी थी आला गुरूशिहा अपने छतों पर और ख़वा के माने किस चीज़ का खोखरा होना खाली होना और जाहिर बात है कि जब कोई चीज़ खोखरी खाली हो जाती है तो कमज़ोर पड़ जाती है और फिर वो गिरती है तो चुनाचे वो इनके पहले छतें गिरती हैं और छतों के गिरने के बाद उस पर उनकी दीवारें गिरती हैं तो कहा खाला उसने कहा गुजरने वाले ने अन्ना युद ही मोतिहान्ना कैसे यूँ ही जिंदा करेगा हाज ही इस बस्ती को अल्लाह बाद बाती है इसके मरने यानी इसके बर्बाद हो जाने के बाद ये बस्ती जो तबाह बर्बाद है और इस तरह इस तरह से यानी वीरान हो चुकी है इसको अल्लाह ताला कैसे ज़िंदा करेगा इसके हला इनके बर्बाद हो जाने के बाद तो चुनाचे जिन फसिल का कहना है कि इससे मुराद बया मुक़दस है या रोशनम है इबिनी कसीर रहमत तो ने जिक्र किया है कि बखनर जो कि काफ़र बादशाह था उसने हमला करके इन बस्तियों के रहने वाले के बस्ती के रहने वालों को जो है उनको क़त्ल कर दिया और बस्ती को तबाह व बर्बाद कर दिया जिस तरह के आम तौर पर दालम और फ़साद के फसाद करने वाले बादशाहों का इस तरह के लोगों का हाल होता है <क्षँग> तो उसने बस्ती की इस तबाही को देख कर कहा कि कैसे इसको दोबारा आबाद किया जा सकता है या बस्ती वाले कैसे दोबारा ज़िंदा हो सकते हैं और मैंने जिक्र किया है कि अगर तो अल्लाह का कुनेक बंदा था तो देखना चाहता था अपनी आँखों से अल्लाह के कुदरत का नज़ारा और अगर कोई वो मुनकर था आख़रत का या आख़रत में शक करने वाला था तो उसको उसका कहना बिल्कुल वाज़ है फमाता मे तमाम बयासा अल्लाह माता है कि अल्लाह ने उसको मौत दे दी यानी उस पर मौत तारी कर दी मेअ आमिन सौ साल तक सब आसा हूँ फिर उसको ज़िंदा किया फिर उसको मरने के बाद उठाया यानी अल्लाह जो सवाल करने वाला शख्स था उस पर मौत तारी कर दी हद तक कि वो सौ साल तक मरा रहा और मुर्दा हालत में रहा मबासा हूँ और सौ साल के बाद अल्लाह ने फिर उसको ज़िंदा किया काला और जब जिंदा किया अल्लाह उसको पूछा उससे कम लबिस्त था कि तुम यहाँ पर कितना ठहरे हो कला लबिस्तम उसने कहा कि मैं ठहरा हूँ लबिस तो मैं ठहरा हूँ यौमन एक दिन और अबावमिन या दिन का भी कुछ हिस्सा इसके बारे में फसीन कहते हैं कि वो सवाल करने वाला शख्स जिस पर अल्लाह ने सौ साल तक मौत तारीख ये रखी जब उसको मौत आती है और उसके नज़र में थे था कि वो सोया है और हकीकत में इंसान जब सो जाता है तो अपने होश ववास उसके ख़त्म हो जाते हैं और इसलिए नींद को जो है वो मौत की बहन कहा जाता है तो चुनाच जब वो सो जाता है वो अपने 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 ख्याल से वो सो जाता है अल्लाह के अल्लाह ने उसको उस पर मौत तारी कर दी थी तो जब सोता है तो दिन का शुरू का हिस्सा होता है यानी सूर्य निकल चुका था और जब वो अल्लाह ताला उसको दोबारा जिंदा करता है और उसकी अपनी नज़र में ये था कि वह सोकर उठ रहा है तो उसको ऐसे महसूस हुआ कि जैसे दिन का कुछ हिस्सा भी बाकी है यानी सूर्य गुरूब होने के करीब है तो पहले उसने कहा यौमन एक दिन ठहरा हूँ लेकिन जब देखा कि मैं जब सोया था तो दिन का शुरू का हिस्सा था सूर्य निकल चुका था और अभी सूर्य गुब होने के करीब है इसका मतलब कि दिन पूरा भी नहीं बल्कि दिन का कुछ हिस्सा ठहरा हूँ कला बल लब तो अल्लाह समाता है कि बल्कि तुम यहाँ पर ठहरे हो कितना सौ साल तक और यहाँ से इस बात का पता चलता है कि नींद और मौत इस हालत में इंसान को गुजरते हुए वक्त का पता नहीं चलता इसीलिए लिए क़्यामत के रोज़ लंबी ज़िंदगी दुनिया में भी गुजारने वाले और दुनिया में लंबी ज़िंदगी गुजार कर फौत होकर क़्यामत तक हज़ारों साल गुजारने वालों को जब पूछा जाएगा कि दुनिया में दुनिया में तुम कितना ठहरे हो तो क्या कहेंगे कि हम एक घड़ी ठहरे हैं यक़ूल अमसल हम अल्लाह माएगा कि उस दिन जो सबसे लंबी ज़िंदगी पाने वाला वो क्या कहेगा कि तुम नहीं ठहरे दुनिया में मगर एक दिन तो ये है इंसान की हकीकत कि जिस इनके अपने ज़िंदगी की खातर इंसान जो है वो दौड़ दूब कर रहा है दुनिया की ज़िंदगी उसकी हकीकत ये है कि वो गुज़रा वक्त ऐसे लगता है कि जैसे चंद घड़ियाँ हों तो है कि बल्कि तुम ठहरे हो सौ साल तक फ़ंदुर आम कबाशराबी कलमिया तसन्ना अब ये आदमी का बजाते खुद फौत होने के बाद और सौ साल तक उसका मरा रहने के बाद दोबारा जिंदा हो जाना ही अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए एक बहुत बड़ी अपनी कुदरत की निशानी दिखाना थी उसको भी और उसके आस पास के जो उसके वाक़े को जानने वाले लोग थे और रहती दुनिया के लिए बल्कि सभी के लिए अल्लाह ताला का ये दिखाना मकसूद था कि मैं किस तरह मरने के बाद दोबारा ज़िंदा करने पर कादिर हूँ जिस तरह शख़्स को मैंने ज़िंदा किया है ऐसे ही हर इंसान को और हर मखलूक को उसके ख़त्म हो जाने के बाद दोबारा बना सकता हूँ ज़िंदा कर सकता हूँ यहाँ पर इब्ने कसीर रहमतुल्लाह लाल जिक्र करते हैं और दारी बात सारी रवायतों से ये चीज़ ली गई होगी कि जब वो आदमी ज़िंदा होता है तो सबसे पहले अल्लाह ताला उसकी तीखों में ज़िंदगी डालता है यानी उसकी आँखें अपने देख दे उसमें बनाई आती है ताकि वो ख़ुद अपने आप को भी देखे कि वो कैसे ज़िंदा हो रहा है ताकि वो ख़ुद भी यानी उसका ज़िंदा होना उसके लिए एक हजत और दलील बन जाए उसको पता चल जाए कि अल्लाह ताला कैसे ज़िंदा करता है उसके बाद महफन आम का व शराबी का लमिया तसन्ना बस देख अपने खाने पीने को लमियाा तसन्ना जो बासी बदबूदार नहीं हुआ अमूमन आदमी सफ़र की हालत में अपने साथ खाने पीने के लवाजमात लेके चलता है और ख़ास तौर पर सबका ज़मानों में तो अब अल्लाह अल्ला ने जब उसको ज़िंदा किया सौ साल के बाद तो अब उसको पहली बात तो ख़ुद अपने आप को जिंदा करके उसका ज़िंदा होना उसको दिखा दिया कि अल्लाह ताला की क्या कुदरत है क्या अल्लाह की यानी अदमत है और किस तरह अल्लाह ताला तर्दों को ज़िंदा कर सकता है उसके बाद मज़दीद अल्लाह ताला की कुदरतें क्या हैं फमें कि अपना खाना पीना जो तुम्हारे साथ था उसको देखो कि वो सौ साल गुजरने के बावजूद भी लम यह तसन्ना बासी नहीं हुआ बदबूदार नहीं हुआ यह तसन्ना का लफ्ज़ जो है वो किससे है मसनून से मसनून के मानी या तो तसन्न के मानी किस चीज़ के अंदर बदबू पैदा हो जाना उसमें कोई स्मेल आ जाना और इसीलिए खाना जब बासी हो जाता है तो उसको इनके ये नाम दिया जाता है तो हमारा कि तेरा खाना बासी नहीं हुआ और ये अल्लाह के कुदरत की अदीम दलील कि खाना आम तौर पर जो चंद घंटों के अंदर ख़राब और बासी हो जाता बदबूदार हो जाता है वो सौ साल गुजरने के बावजूद भी अपनी उसी हालत में बाकी है और बदबूदार नहीं हुआ जिसमें इस बात की दरील है कि दुनिया का अगर चे निज़ाम शिकस्त रेख पर है लेकिन अल्लाह ताला जब चाहे इस निज़ाम से हटकर भी अपनी कुदरत निशानियाँ दिखा देता है मंदुर मारक और देख अपने गधे की तरफ़ जिस पर तू तो सवार था वाली नजा आला के आयत और ताकि हम तुमको लोगों के लिए निशानी बना दें यानी पहले खाने का बयान किया कि खाना तेरा सौ साल के अंदर भी बासी नहीं हुआ और फिर वो गधा जिस पर वो आदमी सवार था उसका जिक्र किया और उसको ज़िक्र करने के साथ साथ ये भी फरमा दिया कि हम ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहे हैं ताकि तुमको लोगों के लिए निशानी बना दें निशानी किस चीज़ की अल्लाह की कुदरत की अल्लाह का मुर्दों को और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा करने की ये जो अल्लाह ताली की अदमतें हैं अल्लाह की कुदरतें हैं अल्लाह के इख्तियारात हैं ताकि हम तुमको लोगों के लिए निशानी बना दें उस वक्त के लोगों के लिए भी जो उसके वाक़े को जानते थे और रहती दुनिया के लिए भी तो इसी माए के अपने गधे की तो देख बंदवा में कई फ़नशीज़ हुआ देख अपने गधे की हड्डियों की तरफ़ के कैसे हम उनको जोड़ते हैं क्योंकि गधा जो है सौ साल के अंदर मरने के बाद उसकी हड्डियाँ बिखर चुकी थी जिसका तो कि आम तौर पर होता है तो उसकी हड्डियाँ आसपास उसके बिखरी पड़ी और सफेद नजर आ रही थी तो अल्लाह समाता तो है कि अगर तू देखना चाहता है कि अल्लाह ताली किस तरह मरने के बाद चीज़ों को जिंदा करता है कि देख अपने गधे दे की तरफ़ कि जिसकी हड्डियाँ बिखरी पड़ी हैं कैसे हम उनको इकट्ठा करते उनको जोड़ते हैं कि फ़नशीजुहा ये किरात ज़ा के साथ है और दूसरी एक करात है नबी अकरम अकमल जो साबित है कई फ़नशीरू हुआ तो कैसे हम इनको यानी कि फैलाते हैं और यानी इकट्ठा करते हैं कई फनशी रूह कैसे हम उसको इकट्ठा करके जोड़ते हैं और दोनों किराते ही यानी एक एक माना देती हैं जो यहाँ पर ज़रूरी है कि हड्डियाँ पहले इकट्ठी होती हैं और इकट्ठी होने के बाद अल्लाह ताला उन हड्डियों को जहाँ जहाँ पर जो हड्डी थी उसको वहाँ पर जोड़ता है हड्डियाँ जब जुड़ गईं और उसके ढांचा खड़ा हो गया गधे का तो अल्लाह मातः सनकू लहमा हड्डियों को जोड़ने के बाद अल्लाह ने उनके ऊपर गोश्त चढ़ाया तो देखमाल्ला तार ने कि देख कैसे हम हड्डियों को इकट्ठा करते हैं जोड़ते हैं और कैसे फिर उनके ऊपर गोश्त चढ़ाते हैं तो इस तरीके से अब जो गोश्त चढ़ता है तो अल्लाह ताला उसमें रूह डालता है गधे के अंदर और वो ज़िंदा गधा उसके सामने खड़ा हो जाता है और ये गधे का इस तरह से हड्डियों को इकट्ठा होकर उसके हड्डियों पर गोश्त चढ़ना और फिर उसके अंदर रूह डल के ज़िंदा होकर खड़ा हो जाना कोई शक नहीं कि उसके सामने आँखों के सामने उसने देख लिया कि अल्लाह ताला किस तरह चीज़ों को मरने के बाद ज़िंदा करता है फलम मत तबईनूँ बस जब उसके लिए वाज हो गया बयान हो गया ख़ुद अपने आप का भी सौ साल के बाद मरने मरने के बाद जिंदा होना और उसके गदे का भी जिसकी हड्डियाँ अपने सामने बिखरी हुई देख चुका था और हड्डियों का इकट्ठा होकर उनका जुड़ना और फिर उन पर गोश्त चढ़ के उस गदे का जिंदा होकर खड़ा हो जाना तो ला माता है फलम मैं तबयण जब उसके सामने अल्लाह ताला की इन कुदरतों की हर चीज़ वाजी हो गई और पता चल गया कि अल्लाह ताला वाकई ही जो है वो ज़िंदा करने पर क़ादर है हर चीज़ को قال اعلم ان الله على كل شيء قدير तो उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर खूब क़दिर है बेशक मैं जानता हूँ अगर वो अल्लाह का नेक बंदा था तो पहले से उसका इस बात पर ईमान और यकीन था लेकिन सिर्फ़ अपनी आँखों से देखना चाहता था इसलिए उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादर है लेकिन मेरे यह सवाल करने का मकसद अल्लाह की इन कुदरतों का निदारा करना उसका मुशाहदा करना था और अगर वो अल्लाह के क़ुदरतों में शक करने वाला था या मरने के बाद दोबारा जिंदा होने में उसको कोई शक था तो उसने फिर कहा कि मैं जान लिया आलम लफ्ज यहाँ पर फेर मुदारे होगा कि मैंने जान लिया कि अलाकन कदीर कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादर है कि मेरी आँखों के सामने किस तरह से उसने मुझे भी जिंदा करके और मेरे गधे को भी जन्ना करके दिखा दिया और सौ सौ साल तक भी पड़ा हुआ खाना जो है बासी होने दिया अल्लाह की कुदरतों का बयान और ये ना आला कल्लिश इन क़दीर का लफ्त कुरान करीब में कई उपर आता है लेकिन ये लफ्त सिर्फ कहने और सुनने की सुनने का नहीं है बल्कि ईमान और अदे का लफ्त है ईमान और अदे का जुमला है कि जब हम कुरान में अल्लाह तला के फरमान पढ़ते हैं कि अल्लाह तर चीज़ पर क़ादर है तो वाकई ही फिर इस अल्लाह की क़ुदरतों के इनके ऊपर यकीन हो जाना चाहिए और दिल में अल्लाह की इन क़ुदरतों पर जो है ईमान रासे हो जाना चाहिए आज जब अल्लाह की क़ुदरतों पर यकीन ईमान नहीं है तो तभी लोग अल्लाह को छोड़कर औरों से बजा के मांगते हैं उनके सामने झुकते हैं उनसे फरियादें करते हैं उनके सामने गिरते पड़ते हैं कि तू हमारी हाजतें पूरी कर दे तू हमारी मुश्किल दूर कर दे किस लिए कुदरतों कि पर यकीन नहीं है जब अल्लाह की क़ुदरतों पर यकीन नहीं है तो उसी वक़्त फिर इंसान अपने मादी वसाइल को देखता है कि मेरे पास क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ ये नहीं देखता कि अल्लाह ताला क्या करने पर क़ादर है तो चुनाचे यहाँ पर भी देखा जाता है काफरों को मुनाफ़ों को और ईमान के कमज़ोर लोगों को कि अपने मादी वसाइल पर अतवाद होता है और वसाइल हैं तो काम होने की तो उम्मीद रखते हैं और वसाइल नहीं या कम हैं तो इनके काम ना होने का यकीन कर लेते हैं कि काम नहीं होगा हती कि दुश्मन के ख़िलाफ़ भी काफ़र के खिलाफ लड़ने के हवाले से भी बहुत से लोगों की यही नज़रें हैं कि मादी वसायल हों इतनी क़वत ताकत हो काफ़रों के जिससे मुकाबला किया जाता हो काफ़रों के मुतवाज़न ताक़त हो तो तभी उनसे लड़ना वरना अगर ऐसा नहीं तो लड़ने की इजाज़त नहीं बल्कि हम कहेंगे कि एक मुसलमान मोमन उसके पास सबसे बड़ा जो असला और हथियार है वो अल्लाह पर ईमान है अल्लाह की कुदरतों पर यकीन है हाँ मादी वसायल और ये चीज़ें लेना ज़रूरी है लेकिन ज़रूरी नहीं कि वसायल हों और ये चीज़ें हों तो तभी अल्लाह की नुसरत मदद आती है तो कहने का मकसद ये जुमला सिर्फ़ कहने का सुनने का नहीं बल्कि जुमला ईमान और अदे का है और जब इंसान का इस अल्लाह के कुदरतों पर ईमान और अक़ीदा क़ायम हो जाता है तो फिर वो ये नहीं देखता कि मेरे पास क्या वसाइल हैं और क्या मेरे पास चीज़ मुमकिन है या नहीं मुमकिन फिर उसको ये होता है कि मेरा ईमान उस अल्लाह के ऊपर है कि जो हर चीज़ पर कादिर है और वो उसकी क़ुदरतें ये भी हैं कि पूरी कायनात को एक लमहे के अंदर मिटा कर उसको फिर से ला बसाए वहीद कॉलेब्राहिम रब अरिनी कई फा तोल मऊता तीसरी मिसाल तै पेश करता है इब्राहिम सलाम के हवाले से वहीदालब्राहीम और जब कहा इब्राहीम सलाम ने रबी अरिनी कई फा तोल मोता ए रब मेरे अरनी मुझे दिखा के कैसे तोहील मोता तो जिंदा करता है मुर्दों को काला कहा अला तरण फरमायाल्ला तरण अवालम तो मिन क्या तुम ईमान नहीं रखते क्या तुम्हारा इस बात पर यकीन नहीं है कालाबला तो फमा इब्राहिम आसलम ने क्यों नहीं। वला कि क्यों नहींला के लिएत मकल भी लेकिन मेरा ये सवाल इसलिए है ताकि मेरा दिल मुतम हो जाए इब्राहीम के बारे में हम सभी जानते हैं कि अल्लाह के खलील हैं और तोहीद के इमाम हैं अल्लाह ने उनको तोहद के और अदे के लिहाज से ऐसा पुख्ता यकीन अता किया था कि आप को भी इब्राहिम सलाम के इस मनहज पर चलने की आपको तालीम दी जाती है फ़त्तब तब्राहिम हरीफ़ा तो अल्लाह के ये खलील और तोहद के ये इमाम क्या मुमकन है कि उनके दिल में ताला की किसी कुदरत के बारे में इसको शक हो लेकिन अल्लाह के बंदों को हमेशा अल्लाह ताली पर यकीन होने के साथ साथ इस बात की जस्तजु और इस बात की तमन्ना होती है कि अल्लाह की कुदरतों के नदारे अपनी आँखों के सामने देखें तो चुनाचे अल्लाह के खलील इब्राहिम सलाम भी इसी बुनियाद पर सवाल करते हैं वही कॉले इब्राहिम और जब कहा इब्राहिम सलाम ने रब्बी आरिनी के फतोहिल खेल मोता है अरब मुझे दिखा कि तू कैसे ज़िंदा करता है मर्दों को यानी इब्राहिम देखना चाहते हैं कि अल्लाह मुर्दों को जिंदा करने का चीज़ें कैसे होती हैं अल्लाह ताली के यहाँ और किस तरह करता है तो इस मैं तैयार ने कल वालम तुमन क्या तुम इस बात पर यकी रखते कला बला उन्होंने कहा क्यों नहीं भला काफ़ आता है क्यों नहीं और क्यों नहीं कि मानी कि मेरा पूरा इस पर यकीन और ईमान है वला के लिए तमा नक़ल भी लेकिन मेरा था कि दिल मतम हो जाए हाँ पहले वो इस चीज़ को इलमी तौर पर जानते हैं कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और उसी में अल्लाह ताला इस चीज़ पर भी कादर है कि मुर्दों को ज़िंदा कर लेता है तो उस पर उनका इलमी यकीन ज़रूर है इल्म यकीन है लेकिन वो इन चीज़ों का मुशाह करके देख कर यकीन के मरतबे तक पहुँचना चाहते हैं क्योंकि इलम के मराते मुख्तलफ़ हैं <coughs> पहला मरतबा ये होता है कि आदमी को किस चीज़ का वैसे इलम हो जाए अगरच उस पर उसका यकीन ना हो और दूसरा मरतबा ये है कि जब उस वो इलम जो है उसको मिला है उसको मुख्तलिफ़राए से ऐसे अंदाज से उसको पहुँचता है कि जिसमें उसको कुछ शक नहीं रहता तो इल्म यकीन की शक्ल इख्तियार कर जाता है और फिर उसके बाद जब वीज़ का ख़ुद मुशाह कर लेता देख लेता अपनी आँखों से तो यकीन की कैफियत इख्तियार कर जाता है कि जिसमें इंसान को फिर अपनी आँखों से देख कर यकीन हो जाता है और चौथा मरला इसके बाद क्या है हकुल यकीन कि जब इंसान सिर्फ़ देखता नहीं बल्कि उस चीज़ में मुल होता है फ़र्ज करो कुछ चीज़ खाना है उसको देखा पहले उसके बारे में सुना था सुनने के बाद उसको देख लिया और तो देखने के बाद उसको खाने के चखते हुए उसको मज़दीद उसका जायका महसूस कर लिया तो ये हक, यकीन है तो कहने का मकसद ये इलम के मुख्तल मरातब हैं तो इब्राहीम साम भी अगरचे इल्मी तौर पर जानने के लिहाज से अल्लाह अल्लाह के वादों पर अल्लाह ताला के कुदरतों पर यकीन है और ईमान है पूरा लेकिन वो इसको देख कर यकीन के मरतबे तक पहुँचना चाहते थे तो मैं मा इसे माया वाला के लिए कल भी लेकिन ताकि मेरा दिल मतम हो जाए तो इसे मालूम क्या हुआ कि इंसान का किसी चीज़ को जानना और चीज़ है और जानने के बाद उसको देख लेना उससे और उसका यकीन और उसका इलम बढ़ जाता है इसलिए नबी नबीकमत व्लम का फरमान है लई सल ख़बर हूँ कल मा कि खबर जो है वो उस तरह से नहीं कि जिस तरह चीज़ को देखा जाता है अल्लाह मूसा सलाम जब कोई तूर पर जाते हैं अल्लाह ताली से हम कलाम होते हैं तो मूसा सलाम को अल्लाह ने बता दिया था, था कि तेरी कौम तेरे पीछे गुमराह हो चुकी है और बशर की पूजा कर रही है अब अल्लाह के इस बात पर तरू सलाम को सौ फ़ीसद यकीन है कुछ की गुंजाइश नहीं है लेकिन अल्लाह ताला ने उनको तौरात की तख्तियाँ दी और तख्तियाँ लेकर आ गए अपनी कौम के पास लेकिन कौम को जब आकर देखा अपनी आँखों से कि वाकई बछड़े की पूजा पर लगे हैं तो उस वो तख्ति, तख्तियाँ फेंकते हैं गु़स्से में और इस यानी कैफियत में तो जिससे क्या पता चलता है कि आदमी चाहे इल के यकीन कितने भी यकीन के मरतबे तक क्यों ना पहुँचा हो लेकिन चीज़ को देख लेने से उसका इल्म का दर्जा और बढ़ जाता है तो यहाँ पर भी इब्राहिम अल्लाह तसी कुदरतों का मुशाहदा करना चाहते थे माता कल फखुद अरब आत्म तैर। फरमाया अल्लाह ताला ने फ़खुद अरब आत्म मीन तर पस ले लो चार परिंदों में से वो चार परिंदे कौन से हैं उसका भी कुरान हदीस में कहीं जिक्र नहीं आता और ना ही उसका जिक्र करने की कोई ज़रूरत है क्योंकि अल्लाह ताली ने अपनी कुदरत को दिखाना था और अपनी अजमत का इजहार करना था वो कोई भी परिंदे हो जाएँ अगरचे बाज़ रवायतों में आता है कि वो कौवा था मुर्ग था मोर और कबूतर था अलग को लिहाज जो भी परिंदे होंगे अला माता है कि चार परिंदे ले लो परिंदों में से चार ले लो फ सुर हन्नाख सुर हन्ना सुर का लफ्त जो है सुर हन्ना इसका मतलब क्या है इसके दो माने किए गए हैं एक तो माना किया गया है सुर हन्ना उनको अपने से मानूस करवा लो जिसका अरबी माना अमिल हन्ना तो उनको अपनी तरफ़ माइल कर लो अपने से मानूस करवा लो अपने सास उनको हिला लो जिस तरह हम कहते हैं हम आम जबान में क्या यानी कि परिंदा या कोई जानवर किसी से मानूस जब हो जाता है तो फिर वो उसकी आवाज़ देने पर उसके इशारा करने पर उसके पास चला आता है तो माया उनको अपने से मानूस करा लो फसो हनना इलेख और दूसरा इसका माना किया गया है फ़सो हन्ना यानि उनके टुकड़े कर दो और लुत के लिहाज से अहले लुत ने दोनों ही माने जिक्र किए हैं और हम कहेंगे हम कहेंगे कि दोनों ही माने यहाँ पर मुराद हैं कि उनको अपने से मानूस भी कर लो और करने के बाद उनको ज़िबा करके उनके टुकड़े कर दो क्योंकि यहाँ पर सुजा आला अला कुल जब आप उसके बाद क्या फमाया है कि उनके उसके बाद क्या करो कि उनके मुख्तलिफ़ अजा जो हैं उनका गोश्त पोश्त जो है वो आस पास के पहाड़ों पर रख दो तो यहाँ पर सुरहन्ना के लफज के अंदर हम कहेंगे कि इसके अंदर मानूस करने का माना भी आ जाता है और मानूस करने के बाद उनको ज़िबा करके उनके टुकड़े करना ये भी दोनों आ जाते हैं <coughs> तो फरमाया कि उन परिंदों को अपने से मानूस करवा लो क्योंकि परिंदा जब मानूस होता है जिस तरह के कबूतर वगैरह के बारे में जहाँ हम देखते हैं कि अपने मालिक के पास इशारे पर वो उतरा आता है और उड़ता है और ये सारी चीज़ें होती हैं तो उनको अपने से मानूस करके उनके टुकड़े ज़िबा करके उनके टुकड़े करो सुज अल कुल जबलमिनजुज़ा और फिर आस पास के जो तुम्हारे पहाड़ हैं उन पहाड़ों पर उनके कुछ हिस्से अज़ा रख दो यानी उनका गोश्त वोश्त जो है उसको ख़लत मलत करके आस पास के पहाड़ों पर थोड़ा थोड़ा गोश्त रख दोन अती न कैसा या सुद रोहन्ना और फिर उन परिंदों को बुलाओ वसीम कहते हैं कि जिस तरह तुम पहले बुलाते थे यानी जब वो तुम परिंदे तुम्हारे पास जिंदा थे और मानूस थे तुमसे तुम उसको ख़ास किस्म की आवाज़ देते थे तो वो चले आते थे इसी तरह की आवाज़ अब तुम उनको दो तो मदनना फिर उनको आवाज़ दो और अगर जाहिर बात है चार परिंदे हैं अलग अलग परिंदे हैं तो उन चारों के लिए मुख्तलिफ है यानी तो कि आवाज़ भी मुख्तलिफ होगी हर परिंदे के लिए मुख्तलिफ यानी ऐसी आवाज़ निकालते होंगे कि जिससे जो है परिंदा उनकी तरफ़ आए तो माया के पहाड़ों पर उनको गोश्त पोस्त रखने के बाद उन परिंदों को अपनी तरफ आवाज़ दो उनको बुलाओ ये अती है कैसे आया फरमाता के व आएँगे तुम्हारे पास दौड़ते हुए और दौड़ने सम्राज्य यानी यहाँ पर रूढ़नी के टाँगों पर दौड़ना हो मुराद जो है उड़ना भी हो सकता है कि वो उड़ते हुए तुम्हारे पास आएंगे अब यहाँ पर इबिन किसी रहमत तो दूसरे मसिन का कहना है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने परिंदों के सर जो हैं अपने हाथ में रखे थे और उनका गोश्त बोट टुकड़े टुकड़े करके उसको ख़त मल करके आस पास के पहाड़ों पर डाल दिया था और फिर हर परिंदे को मखसूस आवाज़ दी और जब वो परिंदे को जिस परिंदे को आवाज़ दी जाती वही परिंदा आता उसका गोश्त पोश्त आस पास के पहाड़ों से उड़ कर आता और जिस जो उसका सर होता उसी सर के साथ आके वो मिल जाता उसी में जुड़ जाता तो इस तरीके से इब्राहीम ने अल्लाह ताला की कुदरत के यह निदारा देखा कि परिंदे जो हैं किस अंदाज़ से उसको के दिबा हो जाने के बाद उनके मर जाने के बाद अल्लाह तल उनके गोश्त पोष को जिस जिसका था जहाँ जहाँ था वह वहाँ लगाता है और उनको ज़िंदा करके बरम्स के सामने पेश करता है वालमला आज़ीज़ुल हकीम और जान लो के बेशक अल्लाह बड़ा ही ग़लब वाला हमत वाला है अल्लाह ताला के नाम कुर करीम की अक्सर बेशर आयात के आखिर में आते हैं और ये नाम हकीकत में इन नामों का उन आयतों के साथ बड़ा गहरा तल्लक होता है आयत का जो मौजू होगा उसी मुनासबत से अल्लाह ताली का वहाँ पर नाम बयान होगा और बल्कि दूसरे अल्फाज में ये भी कहा जा सकता है कि हकीकत में ये अल्लाह के नाम उस आयत का ख़ुलासा उसकी समरी होते हैं कि जिसमें अल्लाह ताला ने उस आयत में जो बयान करने का मकसद था उस मकसद को बयान कर दिया है कि अगर तुम वाक्य देखना चाहते थे कि अल्लाह ताला की कुदरतें क्या हैं अल्लाह किस तरह चीज़ों को ज़िंदा करता है मरने के बाद तो अल्लाह ताली अजीज़ है गालिब है और गालिब होने का माना कि कोई चीज़ उसके इख्तियार से उसके कुदरत से बाहर नहीं है और उसी उन्हीं कुदरतों में से ये भी कि अल्लाह ताला जब चाहे जिसको चाहे और जहाँ से चाहे जिस तरीके से चाहे उसको फिर से ज़िंदा करके खड़ा कर ले, और इसी तरह हकीम है कि अल्लाह ताला का कोई काम भी बग़ैर किसी मकसद के नहीं है बगैर हकमत के नहीं हैं अल्लाह तकीम है कोई कहने वाला कहे कि अल्लाह त अगर यही कुदरतें हैं तो तिर काफरों को जो मर चुके हैं उनको क्यों जिंदा करके हमारे सामने पेश नहीं करता या लोग जो पहले से मर चुके होते हैं उनको ज़िंदा करके खड़ा करके लोगों के सामने क्यों पेश नहीं करता ताकि लोगों को और यकीन हो जाए कि वाकई अल्लाह ताला ज़िंदा करने पर कादिर है हम कहते हैं पहली बात तो है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुख्त जगहों पर इसकी मिसालें दी हैं और इसी सूरह बकरा में तकरीबन हम ये पाँचवीं जगह पर यह मिसाल पढ़ रहे हैं कि जिसमें अल्लाह ताला मुर्दों को ज़िंदा करने की मिसालें पेश करता है अगर ये मिसाल बाद अवत किसी मखसूस अफराद के सामने होती हैं लेकिन इनको मखसूस अफराद के सामने पेश करने के साथ इनका बयान कर देना सारी दुनिया के लिए क़्यामत तक आने वाले लोगों के लिए हकीकत में सबक़ होता है पहली बात तो ये दूसरी चीज़ ये भी है ये है कि अल्लाह ताली हकीम है अल्लाह ताहे तो वाकई ही जब यानी कि जिस तरह के काफर मश्रकों ने आपसे मुतालबा भी किया था कि अगर तू वाकई के सच्चा है इस बात में आप ससम को कहते कि अगर सच्चे हो तुम इस बात में कि मर मरने के बाद जिंदा होंगे तो हमारे जो बड़े बाप दादा मर चुके हैं फिर उनको ज़िंदा करके खड़ा करके लाया जाए ताकि हम उनसे पूछें कि वाकई ही मरने के बाद क्या होता है तो अल्लाह ताला इन चीज़ों पर कादिर था लेकिन अल्लाह ताला हकीम है कि हकीम होने का माना कि अगर कोई चीज़ करता है तो किसी मकसद के तहत चंद वाक़ इस तरह के पेश करके लोगों को दिखा दिया बता दिया सबक दे दिया अब यह नहीं कि हर हर जो भी इसका मुतालबा करें अल्लाह तक उसके सामने मुर्दों को जिंदा करके खड़ा करके लाता रहे ऐसी चीज़ नहीं क्योंकि अगर ये अगर ये चीज़ हो जाए तो फिर इसका मतलब कि दुनिया के इम्तिहान का मकसद ही खत्म हो गया कि अगर हर चीज़ इंसान अपनी आँखों से देख कर उस पर उस पर यकीन करे तो फिर इल्म यानी कि ईमान बल गैब जो है वो उसका तस्वर ख़त्म हो जाता है जबकि अल्लाह तौल पर असल और सच्चा ईमान और हकीक़ की ईमान वो क्या है ईमान बल गैब है तो इसी अल्लाह ताली की हिमत है कि अल्लाह तुझ वाक़ात इस तरह के बयान करके लोगों को सबक दे देता है बता देता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर इन हर इंसान के कहने पर उसके चाहने पर कोई ज़िंदा हो लोग उसके सामने खड़े हो जाएँ क्योंकि तो इससे ज़िंदगी का मकसद दुनिया का मकसद फ़ौत होता है और इम्तहान का मकसद ख़त्म हो जाता है तो ई माना के अल्लाह ताली आज़ीद और हकीम उसकी हमत है कि वो उसने एक वक्त मुकर कर रखा है ज़िंदों को यानी कि मर्दों को ज़िंदा करने का और उसी वक़्त अपनी हमत के तहत उनको ज़िंदा करेगा लोगों के कहने और उनके तानो तशनी और उनके इनकार करने या ना करने से इन चीज़ों पर कोई असर नहीं पड़ता दोबारा देखिए आज क्या थे अब कल मर्रा अलाक़रीतिन या उस शख्स की तरह के जो गुज़रा एक बस्ती से विया ख़ावियत अला अरूश कि जब जबकि बस्ती गिरी पड़ी थी अपनी छतों पर काला कहा उसने अन्ना यूहिहाद्ला कि कैसे अल्लाह ज़िंदा करेगा इसको इसके बर्बाद हो जाने के बाद फमायतः तो अल्लाह ने उस आदमी पर मौत मसलत कर दी सौ साल तक ثم आया था फिर उसको ज़िंदा किया काला और फाया कम लबिस कि तुम कितना ठहरे हो قال कला लबिस तो यौम कहा उसने ठहराओ में एक दिन और बला यौमन या दिन का कुछ हिस्सा कला फ़माय अल्लाने बल लबिस समय आमिन पर बल्कि तुम ठहरे हो 100 साल तक फ़न الى طعامك وشرابك पर देखो अपने खाने और पीने को لم सन्ना के जो बासी नहीं हुआ बदबूदार नहीं हुआ मंद दिला और देख अपने देखो अपने गधे को वली नज आल का आयतनास और ताकि हम तूर को लोगों के लिए निशानी बना दें मंदुर और देखो घड़ियों की तरफ कई फ़न शशीज़ुआ कैसे हम उनको जोड़ते हैं सुनकू लहना और फिर उन पर उस पर गोश्त चढ़ाते हैं हड्डियों पर फिल्मा तबैया बस जब उसके सामने वादे बयान हो गया कला उसने आलमू के मैं जानता हूँ अन आला कुल्लिशन कदीर कि बेशक अल्लाह तर चीज़ पर खूब क़ादर है

फसु रोहन नलेख बस उनको अपने से मानूस करवा लो और उनको तबा करके काट डालो सज अला को लिजाबल मिनहुन् नजुज़ आ और फिर उन पर उनका हर जज्ज्ज्ज्ज्जो है टुकड़ा के आस पास के पहाड़ों पर रखो सजुन न फिर उनको बुलाओ आवाज़ दो या अती न कैसा या वो आएँगे तुम्हारे पास दौड़ते हुए यानि उड़ते हुए बालम और जान लोल्ला आज़ीज़ुल हकीम के बेश खूब गलब वाला हिमत वाला है بارك الله فيكم